नमस्ते बच्चों, चलिए आज की कक्षा की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे कि आज हमारा लाइव सेशन था तो मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी शेर और सियार की, सियार की, जिसमें शेर क्या करता है, गुफा के अंदर जाके बैठ जाता है और वो वेट करता है कि सियार अंदर आएगा और मैं उसे खा लूँगा। पर सियार क्या करता है, सियार बहुत बुद्धिमानी से काम करता है, एक उपाय बनाता है और अपनी गुफा को कहता है कि अरे गुफा, रोज़ तो मुझे कहती थी कि तुम्हारा स्वागत है, आओ अंदर आओ, आज तो नहीं कह रही। ऐसे क्या किया सियार ने, 2 से 3 बार कहा और फिर शेर को लगा कि अरे ये गुफा सच्ची बोलती होंगी। तो शेर क्या करता है, अंदर से बोल देता है कि अरे आपका स्वागत है, अंदर आओ। तो सियार समझ जाता है और समझने के बाद क्या कहता है, वो वहाँ से भाग जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा था कि हमें कभी भी कोई भी काम समझदारी से करना चाहिए। और ये कहानी सुनने के बाद मैंने आपको ग्रामर के अंदर, ग्रामर्स में एक भाग पढ़ाया था जो था संज्ञा अर्थात नाउन। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा बच्चों, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। यदि किसी प्राणी, प्राणी के अंदर ही व्यक्ति आ जाता है बच्चों, प्राणी का नाम हो जैसे शेर, राहुल, चीता या मोहन, सोहम, तो यह प्राणी हो गया। स्थान मतलब प्लेस, वस्तु मतलब थिंग, भाव मतलब आपके इमोशंस, जैसे आप मोबाइल में इमोजीज भेजते हो ना बच्चों, हंसना, रोना, गाना, वो इमोजीज भाव, इमोशंस। गुण क्वालिटीज, सच्चा है, ईमानदार है, ये क्या है, गुण है। तो जो भी ये शब्द दर्शाते हैं वह क्या होते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। आप कहते हो ना बच्चों, इसे याद रखने का सबसे इजी तरीका है नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। देखिए ये हो गया आपको सिर्फ 2 याद रखने, एक भाव और एक गुण। तो आप भाव कैसे याद रखो, इमोजीज, और गुण क्वालिटीज। तो इसके बाद आपको इतने तो पढ़ना नहीं है, पर मैं जस्ट आपको, मैंने वीडियो में आपको ऑनलाइन सेशन में भी बताया था कि मैं सिर्फ आपको एक जानकारी दे रही हूँ कि संज्ञा के भेद प्रकार 3 प्रकार है, भेद भी वही है, प्रकार भी वही है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। पहला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। 3 भेद है बच्चों संज्ञा के, 3 प्रकार, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, भाववाचक। अब देखिए वाचक वाचक सब में आपको याद रखने के लिए सिर्फ 2 वर्ड्स याद रखने, व्यक्ति, जाति, भाव, व्यक्ति, जाति, भाव, यह उसके 3 प्रकार है। तो मैंने इसके अंतर्गत आपको केवल व्यक्तिवाचक ही समझाया था, जो है जिस संज्ञा शब्द से भी किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का ज्ञान हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या, राहुल दौड़ रहा है, राहुल दौड़ रहा है। मैंने आपको कहा क्या कि लड़के दौड़ रहे हैं, लड़के कहूँगी तो उसमें बहुत सारे लड़के होंगे, पर मैंने क्या किया है, पर्टिकुलर नाम लिया है, मतलब राहुल, मैंने नाम लिया है राहुल दौड़ रहा है। तो यह क्या हो गया, व्यक्तिवाचक, मतलब इससे आपको सीधा पता चल रहा है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। अगर मैंने लड़के दौड़ रहे कहा तो बहुत सारे लड़के हैं, पर मैंने कहा राहुल दौड़ रहा है तो मैं केवल राहुल के बारे में बात कर रही हूँ। तो यह होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, बनारस एक प्राचीन शहर है, मैंने पर्टिकुलर किस शहर के बारे में बात की है बच्चों, बनारस। तो अकबर बुद्धिमान थे, जो बिरबल अकबर होता ना, तो अकबर क्या था, बुद्धिमान थे। तो यह मैंने अकबर, प्रॉपर अकबर के बारे में बताया है। ठीक है, तो अकबर बिरबल की कहानी सुना है ना, वो भी हो सकते हैं, किसी का नाम भी हो सकता है अकबर, कुछ भी हो सकता है। तो यह क्या है, नाम है, इसलिए यह क्या है, संज्ञा है। मैंने क्या क्या कि सब लड़के बुद्धिमान थे, नहीं, मैंने एक लड़के के बारे में बताया जो अकबर। ठीक है, तो यह क्या हो गया बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आपको क्या करना है ना, इसके आगे के 2 भी है, मैं आपको अगली कक्षा में वो 2 समझाऊंगी, पर आपको क्या करना है कि अभी ये केवल इतना अपने कॉपी में लिख कर रखना है और सफाई से लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा है ना बच्चों वैसे ही लिखना है। आपको बहुत डीपली, मेरे को इतना नहीं समझ में आ रहा है उतना नहीं, आपको सिर्फ नाम याद रखना है, किसी भी चीज़ का नाम है तो वह संज्ञा नाउन। ठीक है, जैसे आपने इंग्लिश में किया है वैसे ही है संज्ञा। और आपको इतना व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक में नहीं जाना है, अभी आपको क्या करना है, सिर्फ नाम याद रखने हैं। जैसे आपको केवल बोला जाएगा कि
राहुल दौड़ रहा है, एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें से आपको नाम ढूंढना है। तो नाम तो आपको पता है कि सीधा राहुल है, तो आप राहुल को टिक करोगे। आपको यही करना है तो इतना डीपली नहीं जाओगे, बस आपके एक नॉलेज के लिए ये आपको लिखाया गया है, तो आप इसे अपने कॉपी में लिख लोगे। ठीक है, अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।